अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के 150 कार्यकर्ता 250 लोगों की भीड़ जुटाने में असफल रहे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में भाजपा द्वारा जो 400 पार के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ग्रामीण इलाकों में किसान हर जगह भाजपा नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। चाहे सिरसा की बात हो या हिसार की बात हो या फिर अन्य जगहों से भाजपा नेताओं के विरोध की खबरें आ रही हैं, जिसमें भाजपा नेताओं को ग्रामीण इलाकों में किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है और बिना कार्यक्रम किए वापस लौटाया जा रहा है। क्या नजरिया है? कितने आदमी थे आपके? अभी थोड़े दिन पहले मेरा जन्मदिन मनाया था मैंने, आज की नवीन जिंदल जी थे, कम से कम 5-6 हज़ार लोग थे, इतनी भीड़ थी, हमारे को खुद बैठने को जगह नहीं मिली। कितने हजार लोग थे बताइए? आज तो ये आप अंदाजा लगाइए, आप उनसे पूछिए जो आयोजक से। ये बात मानते हैं कि बीजेपी के 150 कार्यकर्ता और 250 व्यक्ति, इस बात से सहमत आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आपको लगता है इतना ज्यादा कम था। हर ग्रुप में शेयर किया जा रहा था, पिछले 15 दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो कैसे 400 बार कर पाएगी भाजपा? चलो, कई दिनों से लगे हुए थे, कई साथी, उन्होंने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है। जितने आप कहाँ थे, क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी यहाँ कार्यक्रम? इसमें ठीक है, कुछ साथी मेरे साथ, जिधर मैं जलता हूँ मेरे साथ कुछ 100-150 आदमी तो मेरे साथ आ ही जाते हैं, तो ये अभी भी खड़े हैं, तो ये तो 150 बार के उससे ज्यादा हो गए। ये तो आप उनको पूछ, मेरे साथ तो अभी भी खड़े हैं जो प्रोग्राम में आप देख लो। और ये ऐसे में तो सफलता हासिल करनी बहुत मुश्किल है, ये 400 पार वाला आंकड़ा तो विफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, नवीन जिंदल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वोट तो जनता ने देनी है सर। मंच अब से अब जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अब उनके बारे में आप उनसे पूछना। मंच से थोड़ा ये वाक्य में थोड़ा दिक्कत तो आई है इस बात की। ये मंच बात से आपके जिला अध्यक्ष ने एक बात कही, वोट नरेंद्र मोदी को डालनी है, नवीन जिंदल को डालनी है, न रवि तारावाड़ी को डालनी, न कुलवंत बाजीगर को डालनी, इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? इसका तो इलेक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव है, जो ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, सांसद नवीन जिंदल जी का चुनाव है, तो इसीलिए यह बात उनकी बनती थी, उन्होंने ठीक कही है। फिर आप फील्ड में क्यों हैं? नहीं, फील्ड में हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि देश ठीक रास्ते पे जा रहा है, हम वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा गुप्त सूचनाओं से पता लगा के रहता है किस कार्यक्रम के बारे में कौन क्या कह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे को गुप्त सूचनाओं से पता लगाया कि सबसे देश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट कुरुक्षेत्र विधान लोकसभा बनेगी। और आज आप लोगों ने देखा ये कार्यक्रम छोटी मंडी के अंदर, वहाँ के सिर्फ छोटी मंडी के दुकानदारों ने एक साझा प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचुर प्रयास करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए और लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र के लिए नायब सैनी के लिए वोट मांगी हैं। आप अगर ये कहना चाहो किसी के कहने से कि वहाँ पर आदमी कम आए या किसने कम किए, ये बड़ी बात नहीं है। ये क्या कहें, देखिए कुलवंत बाजीगर। गुहला चीका से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।